मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद सोनभद्र में भी ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। वीआईपी कल्चर के तहत स्कूटर का इस्तेमाल करने वालों पर प्रशासन सख्त हुआ है और कार्रवाई करते हुए हुटर हटवा दिए गए। गाड़ी पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा हुआ था। काली फिल्म वाइमास लाइट लगाने वालों का भी चालान काटा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश के बाद आगरा में ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए कमर कस ली है। ट्रैफिक पुलिस अभियान चलाकर गाड़ियों में लगे हुटर ब्लैक फिल्म्स हटा रही है। इतना ही नहीं, जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनसे जुर्माना भी वसूला जा रहा है, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी हो या फिर सरकारी गाड़ी। सभी से ब्लैक फिल्म और हुटर हटाया जा रहा है। जो लोग अपनी गाड़ियों पर किसी तरह का स्लोगन लिखकर चल रहे हैं या फिर बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट की गाड़ी चला रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। ये करीब 50 गाड़ियों की ब्लैक फिल्म हटवाई जा चुकी है। 100 गाड़ियों के आसपास स्कूटर्स और जो अवैध तरीके से उसमें फ्लैशर्स लगे थे वो हटवाए गए हैं और करीब 2000 गाड़ियों का विभिन्न मामलों में चालान किया गया है। बेसिकली इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि हम इन गाड़ियों से, अवैध तरीके की जो गाड़ियां हैं इन पे से इन स्लोगन्स को हटवा सकें, इनका चालान कर सकें, ताकि जो भी हमारा मुख्यालय है वहां से उसके डायरेक्शंस का अनुपालन हो सके और ये अभियान समय समय पर चलते रहेंगे। उधर सीएम योगी के आदेश के बाद फिरोजाबाद पुलिस ने गाड़ियों में लगे हुटर को हटाया, साथ ही 25 से ज्यादा गाड़ियों के चालान भी काटे गए। पुलिस की कार्रवाई के बाद गाड़ी मालिकों में हड़कंप मच गया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का तथा शासन का स्पष्ट निर्देश है कि वीआईपी कल्चर को खत्म किया जाए, साथ ही साथ जो लोग प्रेशर हॉर्न लगाकर ध्वनि प्रदूषण पैदा कर रहे हैं, साथ ही साथ स्कूटर सायरन अनावश्यक रूप से अनुचित रूप से लोग लगा के घूम रहे हैं, चाहे वो सरकारी वाहन हो या गैर सरकारी वाहन हो, एक अभियान चला करके उनको उतरवाया जाए। उसी क्रम में आज फिरोजाबाद में हम लोग यहाँ जैन मंदिर चौराहे पर चेकिंग करा रहे हैं। कई गाड़ियों का इसमें हम लोगों ने स्कूटर उतरवाए हैं, साथ ही साथ एमडी एक्ट के तहत उनका चालान भी कर रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच प्रदेश के कई इलाकों में आग लगने की घटना सामने आई है। प्रयागराज में चलती कार में आग लग गई। फतेहपुर में आग से 2 घर जलकर राख हो गए। हाथरस में रेडीमेड कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। उधर जौनपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते पावर स्टेशन में आग लग गई। और सीएम के सख्त आदेश, यहां पर जगह जगह गाड़ियों से हुटर हटाए गए, वो खबर पर हम एक बार फिर लौट रहे हैं। ये बड़ी खबर यहां पर बता रहे हैं, सीएम के सख्त आदेश हैं और शहर शहर एक्शन लगातार जारी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सोनभद्र, आगरा और फिरोजाबाद की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कई गाड़ियों के चालान काटे गए हैं। पुलिस की कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है। तो वीआईपी कल्चर यहां पर, मुख्यमंत्री इस पर काफी सख्त हैं और साफ तौर पर उन्होंने इस बात को कहा है कि हर जगह कोई भी वीआईपी व्यक्ति हो, अगर वो नियमों का पालन नहीं करता तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और आग की खबर बात कर रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच प्रदेश के कई इलाकों में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। प्रयागराज में चलती कार में आग लग गई। फतेहपुर में आग से 2 घर जलकर राख हो गए। हाथरस में रेडीमेड कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। उधर जौनपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते पावर स्टेशन में आग लग गई। वहीं मिर्जापुर में प्लास्टिक पाइप गोदाम में आग लग गई। ये तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज, जौनपुर, फतेहपुर, मिर्जापुर, हाथरस की ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। फतेहपुर में 2 घरों में भीषण आग लग गई। वो तो गनीमत रही कि लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। भीषण आग देख ग्रामीणों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फतेहपुर से खबर है, 2 घरों में भीषण आग लग गई। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। थाना खकरेरू के बदनमऊ गांव की घटना है।
लोगों ने भागकर अपनी जान को बचाया है। थाना खकरेरू के बदनमऊ गांव की यह घटना है। दो घरों में भीषण आग लग गई। गर्मी के चलते इन दिनों गाड़ियों में आग लगने की घटनाएं तेजी के साथ बढ़ती जा रही हैं। प्रयागराज में नैनी इलाके के नए यमुना पुल पर चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार आग की तेज लपटों से घिर गई। राहत की बात यह रही कि कार सवार सभी लोगों को वक्त रहते सुरक्षित निकाल लिया गया। आशंका जताई जा रही है कि ओवरहीट होने की वजह से कार का इंजन और दूसरे पार्ट्स ज़्यादा गर्म हो गए और इसी वजह से आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी के पहुंचने से पहले ही कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। मिर्जापुर में प्लास्टिक पाइप के गोदाम में आग लग गई। पेयजल योजना के लिए रखी गई पाइप में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई। देहात कोतवाली क्षेत्र की यह घटना है। स्थानीय लोगों की माने तो किसी ने बीड़ी सिगरेट पीकर पाइप की तरफ फेंक दिया, इसके चलते आग लग गई। आरोप के मुताबिक दमकल की गाड़ियों के देरी से पहुंचने के चलते बगल वाली बाउंड्री को भी काफी नुकसान हुआ है। इस घटना में लाखों का नुकसान होने की आशंका है। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में कुवैत अग्निकांड पीड़ितों में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। सीएम योगी ने पीड़ित परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश करते हुए चेक सौंपे। बता दें कि कुवैत में आग लगने से गोरखपुर के रहने वाले दो लोगों जयराम गुप्ता और अंगद गुप्ता की मौत हो गई थी। सीएम योगी ने दोनों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी है। वहीं जम्मू के शिवखोड़ी में हुए आतंकी हमले में घायलों को 1-1 लाख रुपये की मदद की है। और इसके बाद सीएम योगी ने गोरखपुर के एनएक्सी भवन में बैठक की। उन्होंने गोरखपुर मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था कैसी है इसका फीडबैक लिया गया। विकास कार्यों से जुड़ी जानकारी भी सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों से ली है। औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने अयोध्या में रामलला का दर्शन पूजन किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत में जसवंत सिंह सैनी ने कहा कि रामलला का दर्शन करने के बाद सुखद अनुभूति हुई है। अयोध्या के विकास पर सैनी ने कहा कि पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में बहुत फर्क हो गया है। लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं आने पर उन्होंने कहा कि हार की समीक्षा की जा रही है। विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी पूरी ताकत से लड़ेगी और इसके सकारात्मक नतीजे आएंगे। भगवान परशुराम के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। आज अयोध्या में परिवार सहित भगवान परशुराम के दर्शन किए हैं। मैं तो ये कहूँगा सब लोग अयोध्या आए, भगवान परशुराम के दर्शन करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत परिवर्तन है पहले की अयोध्या में, अब की अयोध्या में बहुत परिवर्तन है। चलने के लिए अच्छी सड़कें हैं, अच्छा सुंदर वातावरण है। भगवान परशुराम का अपने भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित हुए हैं, हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। यहाँ आकर के मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हुई है। दिल्ली में जेएनके के सुरक्षा हालात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में जम्मू कश्मीर में आतंक पर कड़े एक्शन प्लान पर मंथन हुआ। साथ ही अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की भी समीक्षा हुई है। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, गृह सचिव, आंतरिक सुरक्षा सचिव और सीआरपीएफ के डीजी समेत सेना के बड़े अधिकारी शामिल हुए। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।